6.4 प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्नावली के अन्य सभी प्रश्न मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 करते हैं। किसी विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर रहे। इस व्यवस्था में को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? बच्चों, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाए कि पंक्तियों और कॉलम की संख्या बराबर रहे, तो आप समझ जाना कि आप ऐसी व्यवस्था तभी बना सकते हो जब आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या दी गई हो। तो यहाँ पर 500 जो दिया गया है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को पंक्तियों और कॉलमों की संख्या में तभी व्यवस्थित कर सकते हो जब आपके पास दी गई संख्या कैसी हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो यहाँ 500 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हमें इसमें से और कितना कम कर देना चाहिए ताकि ये व्यवस्था हमारी बन सके, ठीक है। यानी कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा, अर्थात कितनी संख्या और कम करनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितने विद्यार्थी और इसमें से निकालने होंगे ताकि हमें विद्यार्थियों की संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में घंटी का बटन आएगा, ऐसे भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 500 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, 500 का भाग विधि से वर्गमूल, ठीक। चलिए, भाग विधि में अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखा ही चुका हूँ। क्या करते हैं, संख्या लिखते हैं और इस ओर से एक जोड़ा बनाते हैं और उस पर एक बार लगा देते हैं। फिर आगे अगर जोड़ा बनता है तो बार लगा दो, नहीं जोड़ा बनाया तो इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसको भी हम एक जोड़ा ही मानेंगे, क्लियर। अब हम देखेंगे पहला जोड़ा हमारा कितना है, फिर हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करेंगे तो वो 5 से ज़्यादा ना हो, 5 के बराबर हो जाए या 5 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग 5 होता है, तो हम क्या करेंगे, 5 से छोटे वर्ग वाली संख्या ले लेंगे, यानी 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 4, जो कि 5 से छोटा होगा। 3 का वर्ग 5 से बड़ा होगा, 9 होगा, ठीक। तो हम 2 लेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 को हम 5 के नीचे लिखेंगे और इसको घटा देंगे 5 में से, तो हमें यहाँ 1 प्राप्त होगा। यहाँ जितना लिखा है उतना ही इसमें हम क्या करेंगे और जोड़ देंगे, तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ जोड़ देंगे अगला जोड़ा हम उतार लेंगे। अब हम एक पुनः ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करें और 4 से गुणा करें तो 100 से ज़्यादा ना हो, ठीक। तो ऐसी संख्या बच्चों कौन सी हो सकती है, 2, 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8। अगर हम 3 लेते तो क्या होता, 3 3 9 और 4 3 12 ज़्यादा हो जाता, ठीक। 84 को 100 में से घटा दो तो हमें कितना प्राप्त होगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 16। इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ जो निकल कर आया है ये क्या होता, वर्गमूल होता है। तो इसका अगर हम वर्ग करें तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर 2 दूनी 4, 484। 5 से छोटी पहली पूर्ण वर्ग संख्या 484 है, ठीक है। और 500 484 से कितनी अधिक है, 16। तो अगर हम 500 में से 16 विद्यार्थी को निकाल दें तो हमें कुल विद्यार्थी कितने प्राप्त होंगे, 484, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और इतनी संख्या को हम बराबर पंक्तियों और कॉलम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो हम यहाँ आंसर लिख देते हैं, व्यवस्था को बनाने में बाहर निकाले गए कम से कम विद्यार्थी बराबर, जो यहाँ शेषफल प्राप्त हुआ इसी को लिख देंगे 16,
ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्यों 16 जब हम घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 484, और 484 को हम क्या कर सकते हैं, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर रखकर इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा